अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। आंटी, मैं यहाँ एक खास बात करने आई हूँ। तुम तो एक ही बात करने आती हो तारा। ऐसा क्यों कह रही हो आंटी? मैं जानती हूँ अनिरुद्ध की शादी को लेकर आप बहुत परेशान हो। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ, इनफैक्ट मैं ये चाहती हूँ कि अनिरुद्ध और मुस्कान की सगाई हो जाए। और इस बारे में मैंने अनिरुद्ध से भी बात छेड़ी थी। अनिरुद्ध के साथ बात छेड़ने से पहले एक बार ये बात अपनी बेटी के साथ कर ली होती तारा। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर वो मेरे पोते को छोड़ के आगे बढ़ जाए। मैं जानती हूँ आपको इस बात का बहुत बुरा लगा है, मुझे भी लगा है। वो नादान थी, रोहन की बातों में आ गई और उसकी गलती की सजा हम सब आज तक भुगत रहे हैं। आंटी, पुरानी बातों को भूल जाए और आज की बात करें प्लीज। सच्चाई तो ये है कि आज भी अनिरुद्ध मुस्कान से बहुत प्यार करता है। भले वो हमें ये बात बताए ना बताए, लेकिन उसकी आंखों में मुस्कान के लिए प्यार साफ नजर आता है। यही तो वजह है कि अनिरुद्ध ने आज तक शादी नहीं की। वो अब भी मुस्कान का इंतजार कर रहा है। हम बड़े हैं, हमारा फर्ज बनता है कि इस रिश्ते को सही मुकाम तक ले जाए। किस्मत ने भी मुस्कान के साथ क्या खेल खेला है। जब उसका एक्सीडेंट हुआ उस वक्त अनिरुद्ध ही वहां पे था। आंटी, मुस्कान और अनिरुद्ध एक दूसरे के लिए बने, तभी तो आज भी वो दोनों उतने ही अच्छे दोस्त हैं जितने वो पहले थे। मैं तुम्हारी बात गौर करूंगी और फिर ही फैसला लूंगी। थैंक यू सो मच आंटी। तारा, मैं ये फैसला अनिरुद्ध के माँ बाप के साथ सोच समझ कर उनकी राय लेकर ही ले सकती हूँ। इस रिश्ते के लिए उन्हें मनाना मुझे मनाने से ज्यादा मुश्किल होगा। जो लड़की उनके लाखों में एक लड़के को सबके सामने ठुकरा कर जा सकती है, उनके दिल में उस लड़की के लिए जगह बनाना आसान काम। और एक बात और, तुम शायद भूल रही हो, शादियां सिर्फ कुमारों की करवाई जाती है और तुम्हारी बेटी मुस्कान अभी भी शादीशुदा है। आंटी, एक्सीडेंट से पहले मुस्कान ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए थे। फैसला आपके हाथ में। मुस्कान, यहाँ पूजा में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाभी, आप मुझे इस तरह शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? अरे नहीं, एक्सक्यूज मी। जी मॉम। मुस्कान, कहाँ तुम बेटा? मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रही हो। कान, कहाँ हो तुम बेटा? मुस्कान, मैंने पूछा तुम हो कहाँ? मुस्कान, ये मंदिर की घंटी आप क्यों बज रही है पीछे? तुम कैफे में ही हो ना? हाँ मॉम, समझ लीजिए कि मैं कैफे में ही हूँ। समझ लीजिए का क्या मतलब मुस्कान? तुम कैफे में हो या नहीं? मॉम, एक्चुअली वो आसपास या लोग नवरात्रि की तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए आवाज आ रही है। मुस्कान, मॉम यहाँ बहुत शोर है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय। नहीं मुस्कान, सुनो।
प्रसाद है, अपने कैफे में सबको दे देना। थैंक यू। हे रेड टी शर्ट, कॉन्ग्रेट्स एंड गुड लक। थैंक्स। किचन में हो? यही आ जा। दादी, what's happening? मजा आ गया दादी, फर्स्ट टाइम मैं किचन में आ रहा हूँ, कई साल बाद आ रहा हूँ ना, और आपने मुझे दरवाजे में वेलकम नहीं किया आज। जनरली जब भी मैं घर आता हूँ आप मुझे बिल्कुल मेहमान की तरह वेलकम करती हैं। देख रहा हूँ आजकल आप मुझे भाव नहीं दे रही है। प्याज देना। प्याज देना, वहां रखे। ये लीजिए प्याज। काट भी दे छुरी में। क्या बात है दादी? क्या बात है का क्या मतलब? मतलब दादी आपने मुझे आज किचन में आने दिया, मेरे आंख में आंसू आ रहे हैं, आप मुझे कुछ बोल नहीं रही, रोक नहीं रही, कुछ तो बात है ना दादी? आज तारा यहाँ आई थी, तूने ये बात क्यों छुपाई कि उसने सगाई की बात की? क्योंकि बताने के लिए कुछ था नहीं दादी, मैंने हाथ थोड़ी ना किए। ना भी तो नहीं की। हाँ ना नहीं की, लेकिन ना भी तो नहीं की। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं सगाई के लिए तब मानूंगा जब मुस्कान की आंखों में मैं अपने लिए प्यार देखूंगा, या मुस्कान खुद अपनी तरफ से अपने प्यार का हाथ मेरी तरफ बढ़ाएगी। लेकिन मुस्कान अपनी याददाश्त खो चुकी है, उसके याददाश्त वापस आने तक हमें इंतजार करना होगा। सब कुछ नहीं दादी, आप पता नहीं क्या बातें करती है, मुझे अपने हॉस्पिटल में ध्यान देना है। यू नो मुझे अपना नया हॉस्पिटल खोलना है, स्टाफ ढूंढना है, इक्विपमेंट्स देखने हैं, मुझे बहुत सारा काम है दादी। अनी, कब तक तो अपने काम का बहाना बनाकर मुस्कान का इंतजार करता रहेगा? दादी ऐसे कुछ नहीं है। आप ऐसा ही है, पिछले 6 साल से तेरी जिंदगी मुस्कान के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन बेटा मुस्कान को किसी और से प्यार हो गया, उसकी शादी तेरे साथ नहीं हुई, और तूने जो यूके का ऑफर मिला था वो ले लिया, तू बाहर गया, तूने पढ़ाई कर ली, डॉक्टर बन के वापस आया, और हमारी बदकिस्मत मुस्कान का एक्सीडेंट हुआ और तू मुस्कान को फिर से मिल गया। दादी बेटा तेरे दिल में क्या है मैं जानती हूँ, तुझे आज भी उम्मीद है कि मुस्कान तेरे जज्बात को समझे। लेकिन बेटा कब तक तू मुस्कान के बारे में सोचेगा, अपने बारे में सोच बेटा। तू क्या चाहता है? क्या चाहता हूँ दादी? अरे मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जिससे भी मैं प्यार करूँ उसे मेरी कदर हो। सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब उसकी आंखों में देखूँ उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार हो, जब मैं हॉस्पिटल से थक कर आऊँ वो मेरा इंतजार करे, दुनिया से छुपा लो दादी, मैं आपसे नहीं छुपा सकता। मुस्कान से प्यार है दादी, मैं उसे कितना प्यार करता हूँ दादी, मैं उसकी आंखों में उतना ही प्यार देखना चाहता हूँ जितना रोहन से प्यार करती थी। तेरा क्या होगा? दानी दादी, लेकिन क्या मैं बहुत ज्यादा चाहता हूं? हाय मॉम, हाय डैड। हाय बेटे। हेलो, क्या बात है, मेरी बेटी आज बहुत खुश नजर आ रही है। हाँ मॉम, आज का मेरा दिन बहुत अच्छा था, इट वॉज वेरी नाइस। रियली, व्हाट वॉज सो गुड, हमें भी बताओ। वैसे इतना कुछ खास नहीं था बताने के लिए, बस अच्छा दिन था। अरे वो
गैलरी वाला तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा ना? मॉम, अगर उसने मुझे परेशान किया था तो मैं खुश थोड़ी ना होती। अच्छा मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ सोने। ओके गुड नाइट मॉम। नीता आई? दीदी मोनी रूम में जल्दी से सूप ले आओ। ओके निश्चय दीदी मोनी, अभी लाया। अभी मुस्कान आज ज्यादा खुश लग रही थी ना, गाना भी गुनगुना रही थी। तो कुछ गड़बड़ है। रिलैक्स, हमारी बेटी खुश है, उससे ज्यादा मैं और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए अभी, लेकिन पहली बार मुस्कान जरूरत से ज्यादा तब खुश थी जब वो रोहन से मिली थी। कुछ ही महीनों में रोहन ने उससे शादी कर ली और उसकी बाकी की जिंदगी दुखों में डाली। मैं नहीं चाहती दोबारा ये सब कुछ मुस्कान के साथ। मैं उसकी हर एक छोटी बड़ी हरकतों को ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो गड़बड़ है। अगर मैं उसकी खुशी से खुश नहीं हूँ तो उसमें भी कोई वजह है। अभी मुस्कान व्हाट्सएप। अच्छा सुनो, आज तुम्हारी एडवाइस लेकर मैं उस रेड टी-शर्ट के यहाँ पूजा में गई थी। That's very good मुस्कान। पूजा कैसी रही? बहुत अच्छी। छोटी सी पूजा थी अनिरुद्ध, लेकिन पता है वहाँ इतना अपनापन था। एक्चुअली सच कहूँ तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। उसकी फैमिली इतनी स्वीट है। पता है वो रेड टी-शर्ट की भाभी है ना, उनसे मिलकर इतना अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि वो जो भी कहती है ना दिल से कहती है और सच कहती है। और सच के सिवा कुछ नहीं कहती। That's good, Muskan. I'm happy कि तुम खुश हो। अनिरुद्ध, मैं खुश तो हूँ, लेकिन मुझे बुरा भी लग रहा है क्योंकि आज ना चाहते हुए भी मुझे मॉम से झूठ बोलना पड़ा। एक्चुअली जब मैं वहाँ पूजा में थी ना तभी मॉम का फोन आ गया था। मॉम से कैसे कहूँ कि मैं पहले उस रेड टी-शर्ट उसकी फैमिली को नापसंद करती थी ना, तो उस वजह से मॉम भी उन्हें नापसंद करती है। और अब तुम उन्हें पसंद करने लगी। अनिरुद्ध, उसकी फैमिली है ही इतनी स्वीट, तुम भी उनसे मिलोगे ना तो तुम भी उन्हें पसंद करने लगोगे। एक मुस्कान, मैं आई थिंक मेरे फोन में प्रॉब्लम है, एक्चुअली मेरे कान में प्रॉब्लम है। तुमने क्या कहा कि तुम वो रेड टी-शर्ट और उसकी फैमिली को पसंद करने लगी? पहली मुलाकात में थोड़ी ना पता चलता है कि कोई कैसा है, उनसे बार बार मिलना पड़ता है उन्हें जानने पहचानने के लिए। मुस्कान, वक्त चाहिए होता है। काफी मैच्योर बातें कर रही हो, फॉर अ चेंज। अब एक काम करो, तुम आराम से सो जाओ और मुझे यहाँ पर ब्यूटीफुल लड़कियों से चैट करने दो। ओके, डोंट वेस्ट माय टाइम। चैट लड़कियों से, वो भी इस वक्त? क्या कर रहा हूँ यार, काम कर रहा हूँ, बोरिंग ओल्ड डॉक्टर से चैट कर रहा हूँ। सो जा, कम ऑन, गो टू स्लीप। गुड नाइट, स्लीप टाइट, बाय। मॉम जरा जूस पास कीजिए ना। मॉम जूस। सॉरी, चलिए मैं जा रही हूँ, शाम में मिलूंगी आपसे। ओके, कहाँ जा रही हो? कैफे? हाँ मॉम, और कहाँ? ओके, मैं भी चलती हूँ आज। मॉम आप और कैफे? क्यों, मैं अपनी बेटी के कैफे में जाकर कॉफी नहीं पी सकती? ऑफ कोर्स मॉम, लेकिन इस तरह अचानक? पूरा दिन मेरी बेटी कैफे में काम करती है, रात को थक के आके सो जाती है, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम ही नहीं मिलता। सो आई थॉट आई स्पेंड अ डे विथ यू। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। मॉम वो कैफे आप ही का है, मैं बैग लेकर आती हूँ। जब भी आओ ये मनोज गैलरी को तो देखने को। मॉम
उधर क्या देख रहे हो? मैं क्यों उधर देख? प्लीज मुझे सब बताओ क्या? चलो इसे कहाँ रुक? आओ रोहन उधर फ्लैग पे। परफेक्ट, यहाँ से व्यू भी अच्छा मिलेगा। सी देखा, कहा था ना मैंने मैं मर जाऊँ। अनु मैं कितना ख्याल रखती है ना मेरा और मेरे काम का भी। ओह हेलो, प्लीज अभी मैं वेली हूँ इसलिए तुम्हारी इतनी हेल्प कर रही हूँ। कल को मेरा प्ले शुरू हो जाएगा ना, तब मत बोलना अनु तो मेरी हेल्प क्यों नहीं करती। वैसे भी ठीक ही कहते ना, कपल्स को साथ में काम करना भी नहीं चाहिए। तुम्हें किसने कहा कि हम कपल है? ये बात जाके कपल्स को बोलो ना। कुछ भी हसी तो फसी। शट अप। वाली धुन सुनाओ ना जिसे सुन के हमारी पड़ोसन यहाँ पे खींची चली आई थी। प्लीज यहाँ पर धुन याद है बोलनी है। चलेगा ओके। आज मैं मॉम के लिए खुद कॉफी बना रही हूँ। मारिया से उधर रखना। मॉम आप बोर तो नहीं हो रहे हो ना? नहीं नहीं आई एम फाइन। मिल्क मुझे तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या हुआ मॉम? ये धुन, ये वही धुन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस धुन को हमेशा से पहचानती हूँ? मुस्कान मुस्कान ये कॉफी पियो और उस धुन को इग्नोर करो। ओके मुस्कान मुस्कान। मॉम आपको इस धुन के बोल पता है? आप जानती कि ये गाना कौन सा है? प्लीज मुझे बताइए मॉम, प्लीज मुझे इसके बोल बताइए मॉम। मॉम कहाँ जा रही हैं आप?
वही करने जा रही हूँ जिसमें मेरी बेटी की भलाई है। मॉम